तो गाइस एक की खुशी हो रही थी, यहाँ तो ट्विंस हो गए हैं दो दो। तुम तो कह रही थी एक दूंगी, तुमने एक ही बार में दो दो सरप्राइज दे दिए। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। तो सुबह के 10:30 हो रहे हैं और बारिश हो रखी तगड़ी वाली। आज है हमारा तीसरा दिन हॉस्पिटल में और स्वाति को अच्छे से होश वगैरह आ गया है और आज वो खाएगी 3 दिन बाद कुछ चाय पिएगी और मूंग की दाल का पानी पिएगी। तो देखते अंदर क्या हो रहा है और बेबी को देखते हैं आगे। वैसे कॉल कट करती नहीं लेकिन आज हॉस्पिटल में है ना तो दिखा रही है डॉक्टर ने को दिखा कॉल कर नहीं करते हैं। तो अब स्वाति ने 2 दिन के बाद कॉलगेट किया है और अब चाय और बिस्कुट लो। छील दो, खोल दो, मैं खोल दो, खाओ ऐश करो, बस दो ही बोला है। खाओ दो, खाओ दो, खाओ, गरम पानी पीना पड़ रहा है। क्या हो गया, कौन बुला रहा था, क्या हो गया दादी, बुला रही नहीं। अरे अभी खा लूंगा दादी, भूखा तो मैं भी हूँ, खा लूंगा। तुमने खाया चाय भी खाई, अब मैं खाना खा लूंगा। मैंने भी नहीं खाया 2 दिन से, सच में सच में सच में नहीं खाया। सब देखती है। Day 2 थैली नंबर 3 बिल नंबर 50,055। गाइस आज बहुत काम है और अब स्वाति के लिए बार बार नीचे जाना पड़ रहा है कैंटीन। हम है 2nd फ्लोर पे और कैंटीन है 3rd अंडरग्राउंड 3rd नंबर, मतलब तीन और समझ लो, एक तो होता है अंडरग्राउंड और अंडरग्राउंड के भी अंडरग्राउंड है कैंटीन, तो नीचे जाना पड़ रहा है, बार बार ऊपर आना पड़ रहा है। और सच बता रहा हूँ 3 दिन होने वाले हैं और पहला दिन तो जो ऑपरेशन हुआ था उसको तो काउंट ही नहीं किया है, तो 2 दिन हो गए वैसे, लेकिन 3 दिन मेरे हिसाब से 3 दिन वैसे 2 दिन। तो बस नीचे जाना ऊपर जाना, और सच बता रहा हूँ 3 दिन हो गए, मैंने सच में नहाया भी नहीं है और मैं हॉस्पिटल के नीचे कैंटीन है उसके आगे गया ही नहीं हूँ अभी तक, 3 दिन हो गए देख लो। तो अबे दादी कह रही है खाना खा लो खाना खा लो, मैंने कहा दादी खा लूँगा थोड़ी देर में, रुक जाओ। थैंक यू मैम, आप आए, थैंक यू, खुशी नाम है ना आपका, अच्छा आपका है नाम है, अच्छा और दबाओ, खत्म हो गई और क्या करो, खाली हो गया बस। अरे धीरे धीरे सारे एक्सपीरियंस हो जाते हैं और बेबी के पीठ पे दाने हो गए बहुत सारे और वाइट पानी भर गया उसमें, तो उस वजह से उसके लिए दवाई अभी से दवाई देंगे। लिखी होगी ना इन्होंने कौन सी वाली, अरे पर्चे में लिखी है, एमोक्सिलाइन थे हाफ पा वो दो मेरे को, पर्ची कहाँ है, तुम्हें लेकर गए थे, अभी यहीं से जन्म प्रमाण पत्र मिलेगा, आधार कार्ड वगैरह भी बनवाओ, आधार कार्ड बनवाना, बहुत सी टेंशन, ये रिकॉर्ड आपको हमेशा सारे कागज अपने अपने पास रखना, बता दो रिकॉर्ड नई चीजें सीखने को मिल रही हैं। तो गाइस मैं आपको कुछ चीज बताने वाला हूँ, अभी हमारे रूम के एक रूम छोड़ के एक और रूम है वहाँ पर हमारे, एक मिनट होल्ड कीजिए कोई आया है। तो गाइस हमारे रूम के छोड़ के एक रूम और है
वहाँ पर हमारे सब्सक्राइबर हैं, वो हमारी वीडियोस देखते हैं और उनके भी डिलीवरी हुई है, और मैं उनका भी नहीं बता सकता क्योंकि अभी उनकी अभी छठी नहीं हुई है, तो मैं बता नहीं सकता कि गर्ल हुई है, बॉय हुआ है, बॉय हुआ है, गर्ल हुआ है, तो मैं बता नहीं सकता। बट मैंने देख लिया है, और अब क्योंकि हॉस्पिटल का हॉस्पिटल है तो देख सकते हैं, और वो भैया भी अच्छे जानने लग गए, और उन्होंने ये बोला है कि जब हम डिस्चार्ज होंगे तो तब हम आपसे मिलने आएंगे। हमारी पिछले 3-4 दिन से बात हो रही थी, तो आज वो उनका उनका 21 तारीख के आसपास डिलीवरी हुई थी, तो उनका डिस्चार्ज है, तो वो आज अपने बेबी को लेके आएंगे, तो मैं मिलवाता हूँ उनके बेबी से भी आपको और अपने बेबी से भी आपको। स्वाति के पास लिटा के दोनों की फोटो खींचेंगे, देखते हैं कैसा लगता है। ये कितनी खुश, तो गाइज एक की खुशी हो रही थी, यहाँ तो ट्विंस हो गए हैं, दो दो सेम। तुम तो कह रही थी एक दूंगी, तुमने एक ही बार में दो दो सरप्राइज दे दिए। तो गाइज ध्रुव तारा हो चुके हैं, ध्रुव तारा, ध्रुव 3 मिनट बड़ा है, तारा 3 मिनट छोटी है, वेरी गुड। बहन छोटी रहती है, जो मैंने ये सजाया था ये सक्सेसफुल रहा, प्रिंसेस का और प्रिंस का, देख लो मेरे पैसे कभी खराब नहीं जाने देते बच्चे। ये बेबी मैम का है, इनकी भी डिलीवरी यहीं पे हुई है। हाँ इनकी हुई थी 21 तारीख को डिलीवरी। अब आप भी देखना मेरी वीडियो, ठीक है, जीव दिखा रहा है। मेरी बेटी तो देखती है, उस दिन जब देखा भैया को तो बोले कि मैं इनके नाटक देखती हूँ। अब वो ब्लॉग तो जानती नहीं, बोले मैं इन भैया के नाटक देखती हूँ। हमने कहा ये तो घर पे जाती गोलगप्पे खाएगी। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम आपको, थैंक यू। अरे इसकी क्या जरूरत थी, मैं नहीं लाया अभी अभी, मैं ये सोच रहा था कि स्वाति को होश आ जाएगा तब बात दूंगा, तो आज आया है ढंग से थोड़ा बस। नहीं मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। तो मैम के घर भी एक खुशखबरी आई, तो मैम ने मिठाई का डब्बा दिया है, तो अब मेरे को भी मंगवाना पड़ेगा, मैं भी मंगवा के लाऊंगा पक्का 100%। और थैंक यू सो मच। बस मैं इतने में मैं भी मीठा नहीं कर सकती हूँ, इस वजह से इतना ही काफी है। थैंक यू मैम, थैंक यू, बाय बाय। खुशियां ही खुशियां देखो, अरे क्या डिलीवरी का 2 दिन बाद उठाया, देख लो स्वाति ने, अब सारे दर्द चले गए होंगे। नहीं पहले भी हो रहा था, अब नहीं हो रहा, फिर क्या फायदा। बेबी को मैंने सुना था कि बेबी को गोदी में लेने से सारे दर्द गायब हो जाते हैं। देखो मौसी, देखो छोटे बेबी को प्यार कर रही, तुम्हें नहीं कर रही। एक भी नहीं रहा, स्वाति नहीं। चलो अब तुमसे कोई प्यार नहीं करता। तो मामा जी आए हैं, ताऊ जी आए हैं, और ताई जी आई हैं, और माई जी आई हैं बेबी से मिलने के लिए, और उसके पैसे मेरे जेब में हैं। वो तो सुबह से ही उन्हीं की आ रही वीडियो अभी तक।